एक बड़ी खबर आ रही है गोरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर। आज कांग्रेस ने लोकसभा में खूब हंगामा किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने स्पीकर की ओर कागज भी उछाले। अब लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 5 सांसदों पर 5 दिन तक संसद आने पर रोक लगा दी है। और आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, आखिर कैसे ये कार्रवाई हुई है? देखिए, लोकसभा में लगातार कांग्रेस के सांसद वेल में उतर करके बहुत ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे और मॉब लिंचिंग के मसले को उठा रहे थे। और इसी दौरान मैं आपको बताऊं, अखिलेश, की बोफोर्स मामले को भी उठा दिया था बीजेपी के 2 सांसद मीनाक्षी लेखी और एक और सांसद ने। जब इस मामले को उठाया तब कांग्रेस के जितने सांसद वेल में थे वो काफी ज्यादा नारेबाजी करने लगे और उनके हाथ में जितने भी कागज थे उनके टेबल पे सभी को उठा उठाकर फाड़ फाड़ कर लोकसभा स्पीकर की तरफ फेंकने लगे, जिनमें 5 सांसद थे, जिसमें सुष्मिता देव थी, गौरव गोगोई थे, के सुरेश थे, अधीर रंजन चौधरी थे और रंजीता रंजन। इन सभी को लोकसभा स्पीकर ने, अभी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, 5 दिन के लिए डिबार कर दिया। यानी अब वो 5 दिनों तक लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं। स्पीकर ने बड़ा फैसला लिया है। जब भी इस तरह के फैसले किए जाते हैं तो 5 दिन के लिए सांसदों को, सदस्यों को डिबार किया जाता है। ये बड़ा फैसला किया और इन 5 कांग्रेस सांसदों को अगले 5 दिनों के लिए लोकसभा स्पीकर ने संसद में आने से रोक दिया है, डिबार कर दिया गया। अखिलेश, शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए आपका। तो 5 कांग्रेस के सांसद अब 5 दिनों तक लोकसभा में नहीं आ सकेंगे, उस पर रोक लगा दी गई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।